दोस्तों नमस्कार, द एजुकेटर अड्डा पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस महत्वपूर्ण वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड, जिसमें 87,774 सीट के लिए रोस्टर क्लियरेंस, 37,943 हेड टीचर रोस्टर तैयार, और टीआरई 3 एंड हेड टीचर सीटें घटेगी या नहीं, इस पे इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो बात निकल के आ रही है वो ये है कि हेड टीचर, हेड मास्टर और टीआरई 3 से जुड़ी है, और क्या क्या बातें हैं वो एक एक करके हम लोग जानेंगे। हेड टीचर और हेड मास्टर का रिजल्ट इसी महीने जारी होने की संभावना है। जो हेड टीचर और हेड मास्टर का रिजल्ट है वो इसी महीने यानी कि अक्टूबर महीने में ही जारी होने की पूरी संभावना दिख रही है, और ये रिजल्ट जो है 31 अक्टूबर तक आयोग जारी करने का लक्ष्य रखा है। यानी कि बात हो रही है हेड टीचर और हेड मास्टर की, इसकी जो रिजल्ट है वो इसी महीने यानी कि 31 अक्टूबर तक जारी करने का आयोग ने अपना लक्ष्य रखा है। हेड टीचर का अंतिम रूप से 37,943, देखिए यहाँ पे सीटें कम हो रही हैं। हेड टीचर का जो है अंतिम रूप से 37,943 पदों का रोस्टर मिलते ही रिजल्ट की तैयारी में आयोग जुट गया, यानी कि बीपीएससी हेड टीचर का रिजल्ट देने के लिए बिल्कुल तैयार है, वो तैयारी में जुटा हुआ है, और जो रिजल्ट देगा वो 37,943 पदों के लिए देगा। यहाँ सीटें ज्यादा थी, लेकिन जो है जब मर्ज और डिमर्ज का सिस्टम चालू हुआ तो वहां पे यहाँ पे सीटें जो है क्या है कम हो गई हैं। सबसे पहले हेड टीचर का ही जारी होगा रिजल्ट। सबसे पहले अगर बीपीएससी द्वारा हम बात करें तो सबसे पहले टीचर्स में हेड टीचर्स का रिजल्ट जारी होगा, और इसके लिए क्या है कि 20 अक्टूबर यानी कि आज आज जो है इसका रोस्टर बीपीएससी को भेज दिया जाएगा जीएडी के द्वारा। अब बात करते हैं टीआरई 3 की। तो टीआरई 3 में कुल 87,774 सीटों का हुआ है रोस्टर क्लियरेंस। ठीक है, कितने 87,774 सीटों, जितनी वैकेंसी आई थी उतनी सीटों का रोस्टर क्लियरेंस हुआ है। टीआरई 3 में सीटों की संख्या घटने और बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। देखिए हेड टीचर में सीटें जरूर घट रही हैं, लेकिन टीआरई 3 में अभी तक कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आया जिससे ये कहा जा सके कि सीटें घटेगी। इसलिए यहाँ न तो सीटें घट रही हैं न बढ़ रही हैं, जितनी वैकेंसी आई थी उतनी ही सीटें रहेंगी। हेड टीचर की सीटों की संख्या जो कम हुई है उसका रीजन क्या है? स्कूलों का मर्जर डिमर्जर, स्कूल कम हुए तो हेड टीचर की रिक्ति भी कम हो गए। तो हुआ क्या कि कई स्कूलों में बच्चे कम थे तो उन स्कूलों को दूसरे स्कूलों में जो है मर्ज कर दिया गया, ज्यादातर स्कूलों के साथ यही हुआ है, और डिमर्ज बहुत कम स्कूलों का हुआ है। तो ऐसे में वहां पर रिक्तियां कम हुई है हेड टीचर्स की, इसलिए सीटें कम हो गई हैं। मार्च 2024 में जारी हुआ था हेड टीचर का विज्ञापन, जो हेड टीचर का विज्ञापन है मार्च 2024 में जारी हुआ था, और विज्ञापन के बाद कई स्कूल हुए मर्ज और डीमर्ज। तो इस वजह से क्या हुआ कि जब विज्ञापन आया मार्च 2024 में और देखा जाए तो करीब 7-8 महीने हो गए, तो इस वजह से ये इतने समय में वहां पे कई स्कूल जो है मर्ज और डीमर्ज हुए, तो ज्यादातर जो संख्या में मर्ज हुए वो ज्यादा स्कूल थे, और इस वजह से जो हेड टीचर के पोस्ट थे वो कम हो गए, और इस वजह से इसकी वैकेंसी भी कम हो गई। तो ऐसे में कल इसका जो है जीएडी जो है आयोग को रोस्टर भेज देगा, और हेड टीचर्स और हेड मास्टर का जो रिजल्ट है वो आप सभी को 31 अक्टूबर तक देखने को मिल सकता है। और बात करें टीआरई की, इसमें कोई भी सीट ना तो घट रही ना बढ़ रही है, 87,774 सीटों पर रोस्टर क्लियरेंस हुआ है, और इसका जो रिजल्ट है ये मान के चलिए कि 10 नवंबर के आसपास ही आ पाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ लेते हैं आप सभी से विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।